हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं नेहा पारसा, स्वानंद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी ही। उल्हासनगर की श्रेया और शांति पैलेस इमारत के बाद धोखादार इमारतों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। रविवार की शाम को मुरली वाला कॉम्प्लेक्स इमारत के स्लैब गिरने से एक महिला की मौत हो गई और यह इस बारिश में धोखादायक होने वाली तीसरी इमारत है। आइए देखते हैं आखिर मामला है क्या। उल्हासनगर कैंप 5 के भाटिया चौक में मुरली वाला कॉम्प्लेक्स यह 4 मंजिला इमारत है। इस इमारत में 16 फ्लैट और 4 व्यावसायिक गाले हैं। मुरली वाला कॉम्प्लेक्स के तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 303 के मालिक विकास बालानी, इनके यहाँ लादी बिटाने का काम चल रहा था। इस फ्लैट का स्लैब रविवार शाम दूसरी मंजिल के 203 इस फ्लैट पर गिरा। इस स्लैब के नीचे लीना गंगवानी, उनका बेटा रोहित गंगवानी और शरद गंगवानी दब गए। यह जानकारी तेजी से पूरे उल्लासनगर में फैलने के बाद पालिका के अग्निशामक दल, आपातकालीन यंत्रणा विभाग और पालिका के सहायक आयुक्त गणेश शिंपी आदि कर्मचारियों ने तत्काल इमारत खाली की। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी दी गणेश शिंपी ने। आज संध्याकाळी 6:45 मुरलीवाला कॉम्प्लेक्स ही जी इमारत आहे भाटिया चौकात, त्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर जो असलेला स्लॅब दुसऱ्या मजल्यावर कोसळला, त्यामुळे नीता गंगवानी नावाच्या एक महिला मयत झाल्या आहेत। त्यांचं वय 47 वर्ष आहे। तिसऱ्या मजल्यावर काहीतरी लाद्या बदलायचं काम चालू होतं फ्लॅटच्या, आणि त्या फ्लॅटचा स्लॅब खाली येऊन ही दुर्घटना घडलेली आहे। महापालिकेचे अग्निशमन विभागाने तात्काळ घटनास्थळी येऊन जे जखमी होते त्यांना बाहेर काढले आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलेले आहेत। 3 जण जखमी झालेले आहेत आणि 1 महिला मयत झालेली आहे। स्थानिक नगरसेवक भारत गंगोत्रीने घटना की जगह पर पोहोचकर मदत कार्य शुरू किया। यहाँ पे एक फ्लैट में टाइल्स बदली करने का काम चालू था, वो वहाँ पे स्लैब नीचे आने के कारण नीचे के फ्लोर में जो एक लीना गंगवानी करके लेडी थी वो एक्सपायर हो गई। उनके सर के ऊपर स्लैब गिरने के कारण वो एक्सपायर हो गई है और उनका बच्चा इंजर्ड हुआ है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अभी वो सब आए, कॉर्पोरेशन के लोग आए, वो सब कर रहे कार्रवाई और बिल्डिंग भी सील करने की कर रहे हैं, जैसे आगे कोई इंजर्ड वगैरह नहीं हो या गिरे नहीं कुछ। इस बारिश में श्रीराम चौक की श्रेया इमारत, खेमानी की शांति पैलेस और अब मुरली वाला कॉम्प्लेक्स धोखादायक बन चुके हैं। इस बारिश में 50 से ज़्यादा फैमिली बेघर हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार अब तो धोखादायक इमारतों के बारे में पॉलिसी बनाओ ऐसी चीख हर घर से सुनाई दे रही है। निखिल जाधव के साथ शुभम सालुंके, आकाश कांबले, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। हमारे स्वानंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए स्वानंद न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।